अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। पाकिस्तान की T20 टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो गई है और मैं इन प्लेयर्स को यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स को मशवरे देना चाहूँगा कि वो क्या करें, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और क्रिकेट के सारे मैचेस देखता हूँ, तो मैं प्लेयर्स को अपने मशवरों से मैं मुस्तफीद करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं बाबर आज़म से। बाबर आज़म साहब आप कप्तान है, ठीक है, आपने टीम को लेकर चलना है, ठीक है, आपने प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी, आपने सबसे पहले जाकर कोहली से हाथ मिलाना है, ठीक है, ताकि वो जो आपने हाथ मिलाकर पिछले टूर्नामेंट में एशिया कप में जो एक्सचेंज किया था, ठीक है, परफॉर्मेंस कोहली के परफॉर्मेंस आपको मिल गई थी, आपकी परफॉर्मेंस कोहली के पास चली गई, वो आपने वापस लेनी है, ठीक है, सबसे पहले आप हाथ मिलाएंगे, बल्कि गले मिल रहे हैं, ठीक है, गले मिल के आप परफॉर्मेंस अपनी वापस लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और आप हमारी टीम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टीम आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, काफ़ी देर हो गई आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं आई जिसके लिए आप मशहूर हैं, आप नंबर वन थे, आप नंबर थ्री पे आ गए, मगर इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में आप दोबारा नंबर वन आएंगे, ये आई एम श्योर। नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ, ठीक है, मोहम्मद रिजवान साहब आप बहुत कमाल प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त आपने पूरे एशिया कप में बहुत अच्छे यानी हाईएस्ट स्कोर बनाया था, मगर थोड़ा स्लो था, ठीक है, आपको अपनी स्ट्राइक रेट पे थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है बाबर आज़म आउट हो जाते थे, आपका काम होता था एंड तक लेकर जाना, मगर वो एंड तक भी नहीं पहुंचता था और एंड पे हमारे प्लेयरों को जितना प्रेशर आ जाता था रन रेट का, ठीक है, वो अब आपने कम करना है, आपने तेज़ खेलना है, आपने फास्ट खेलना है और आपने इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ ज़्यादा स्कोर बनानी है। नेक्स्ट चलते हैं इफ्तिखार अहमद की तरफ। इफ्तिखार साहब, ठीक है, आपकी जो स्ट्राइक रेट है सबसे गंदी थी, ठीक है, मुझे नहीं समझ आई आपको एशिया कप के बाद दोबारा टीम में क्यों लिया गया, क्योंकि सब लोगों का यही कहना था कि यार इफ्तिखार साहब को थोड़ा साइड पर लगाएं, ठीक है, कोई स्ट्राइक रेट अच्छे वाला मिडल ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि मिडल ऑर्डर में, ठीक है, एक अच्छा स्ट्राइक रेट हमें वो वाला प्लेयर चाहिए जो कि तेज़ खेल सके, जितना आप स्लो खेल रहे हैं मेरा ख्याल है T20 में आपकी जगह नहीं रहेगी, वन डे में और टेस्ट में बेशक आप चल जाएंगे मगर T20 में इतना स्लो स्ट्राइक रेट नहीं चलता। नेक्स्ट चलते हैं हम खुशदिल शाह की तरफ, ठीक है, खुशदिल शाह साहब आपको ना एक अच्छे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, अच्छी स्कोर की ज़रूरत है, ठीक है, अभी तक आप किसी मैच में उस तरह हीरो नहीं बन पाए जिसमें आपकी हमें वो है कि यार ये कमाल प्लेयर आ गया, ठीक है, तो थोड़ी सी ना अच्छा आपने खेलना है, अपनी किसी ना किसी मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है कि लोग वाह वाह कर उठें। नेक्स्ट चलते हैं हम आसिफ अली साहब की तरफ। आसिफ अली साहब, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, आप दिन के आपने खुद बताया हुआ है कि आप 100-150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्लीज़ उसमें से कोई 5 छक्के, ठीक है, वो 150 छक्कों में से 5 छक्के आप किसी मैच में मार लेना तो हमारी टीम हर मैच जीत सकती है, ठीक है, आपके छक्कों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप सिक्सेस लगाएं, ठीक है, आपने प्रेशर में नहीं आना, आप टेंशन में आकर प्रेशर में आकर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें आपके वो छक्के चाहिए जो आप प्रैक्टिस में करते हैं, प्लीज़ आपने इस वर्ल्ड कप में वो छक्के दिखाने हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम शादाब खान। शादाब साहब, ठीक है, आखिरी मैच में कैचेस ड्रॉप हो गए, थोड़ा मसला आ गया, मगर आप वही कमाल प्लेयर हैं, वही कमाल फील्डर हैं जो कि हमें ये PSL में दिखाई दिए थे, ठीक है, हमें आपकी वो परफॉर्मेंस दोबारा चाहिए और दोबारा मिलेगी आई एम श्योर, क्योंकि बॉलिंग में भी शायद आप कमाल है, फील्डिंग में भी कमाल है, बैटिंग में भी कमाल है, मगर कभी कभार प्रेशर में आकर या टेंशन में आकर, ठीक है, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर दोबारा आप परफॉर्मेंस दें, ठीक है, दोबारा टीम में आपकी जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिधर जिस टाइम पे आप आते हैं उस टाइम पे हमें हाई स्ट्राइक रेट की ज़रूरत है, हाई स्कोर करने की ज़रूरत है, तेज़ स्कोर करने की ज़रूरत है, तो आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हमें अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इस तरह से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं शान मसूद साहब, आपको टीम में वापस लाया गया है, ठीक है, बड़े लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं कि आप वापस टीम में आए हैं, मगर अब हमें आपसे वो परफॉर्मेंस चाहिए जिसके लिए आप टीम में लाए गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमें मैचेस जितवाएंगे और मैन ऑफ द मैच बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब मोहम्मद नवाज़, ठीक है, मोहम्मद नवाज़ साहब, ठीक है,
बड़ी ज़बरदस्त आपकी बॉलिंग रही, बैटिंग भी बहुत अच्छी रही एशिया कप में, और इसमें भी हमें उसी तरह की परफॉर्मेंस चाहिए। और आए और बाबर आजम आपको ओवर दें ज़्यादा, जिस तरह आखिरी मैच में आपको सिर्फ एक ओवर दिया गया। मेरा ख्याल अगर आपको ज़्यादा ओवर, पूरे ओवर चार ओवर करा लेते तो मैच बिल्कुल चेंज होना था। तो कीप इट अप, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हैदर अली। हैदर अली साहब को भी T20 टीम में ऐड किया गया है। मैंने अभी तक इनकी परफॉर्मेंस कोई वगैरह कोई मैचेस उस तरह देखे नहीं है, मगर PSL में तो अच्छा इन्होंने किया था, ठीक है। आई होप आप किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और हीरो बने और मुल्क को ना जितवाएं मैचेस। नेक्स्ट चलते हैं हम हारिस रऊफ साहब, ठीक है। बॉलिंग हमें फास्ट बॉलर, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं, ठीक है, और जितना तेज़ आप बॉल कराते हैं, ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे रहेंगे। आपने बस अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ और ठप्पा देकर, ठीक है, एक बाउंस करा कर आपने बॉलिंग करानी है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आप ना हाईएस्ट विकेट टेकर्स में शुमार हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। तो फास्ट बॉलर में आप हमारी मेन है, ठीक है, और आखिरी ओवर भी आपको मिलता है। आपको आखिरी ओवर में स्कोर पड़ गया तो फिर पड़ गया, वो आपने बचा लिया तो बचा लिया। लेट्स सी आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आई होप बेस्ट ऑफ लक आपके लिए जी। ये हैं मोहम्मद वसीम साहब न्यू प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर है, तो ज़रूरत तो है ही। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करते हैं, ये तो इनका मैच देखकर ही पता लगेगा। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद हसनैन, एक और यंग फास्ट बॉलर, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस वैसे एशिया कप में इतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर बट ठीक है, यानी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और ये विकेट ले, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट आते हैं जी नसीम शाह, क्या बात है। नसीम शाह आपके लिए एक मशवरा है, ठीक है। सबसे पहली बात, तो आपने ना ये मॉडल्स और ये लड़कियों से दूर ही रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस और मॉडल्स हैं, स्पेशली इंडियंस, जो कि आपको बहुत पसंद करती हैं, ठीक है, आके पीछे पड़ी हुई हैं, मगर आपने इनकी बातों में नहीं आना, ठीक है, इनसे दूर रहना। आपने सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे और क्रिकेट पे और बॉलिंग पे तवज्जो देनी है और किसी चीज़ पे नहीं। वैसे आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, मगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा विकटें लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा छक्के मारने और लड़कियों से दूर रहना है। सबसे ज़्यादा मशवरा यही है। नेक्स्ट चलते हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपका कमबैक, आपके बहुत देर से आपकी ज़रूरत थी, आपको याद किया जा रहा था, और अब आप ना फिट होकर वापस टीम में आ गए हैं। और मेरा ख्याल है मेन जो हमारे बॉलर हैं वो इस टाइम आप ही हैं, ठीक है। आपको सारे मैचेस खिलाए जाएंगे और आपने विकटें भी लेनी हैं, ये पिचेस भी आपके लिए बनी हुई हैं, और ये मेरा ख्याल है आपके ऊपर बॉलिंग जब मेन इनसार ही आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी उस्मान कादर साहब, ठीक है। अब मेरा ख्याल है स्पिन का इतना रोल है नहीं उधर उस पिचेस पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मैच खिलाया जाएगा। मेरे ख्याल आपको ऐसे एक्स्ट्रा के लिए लेकर जाया जा रहा है कि यार कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी पिच बन जाए या आ जाए खुद ही जो कि स्पिन के लिए बहुत अच्छी हो, तो फिर शायद आपको टीम में ऐड कर ले किसी मैच में। मगर फिर भी एक ना स्पिनर रखना पड़ता है, साथ लेकर जाना पड़ता है, इसलिए आपको लेकर गए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल आप टीम में किसी मैच में खेल सकेंगे। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनको ना वो एक्स्ट्रा के तौर पर लेकर जा रहे हैं कि अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाए या किसी प्लेयर को कोई मसला हो जाए, टांग का मसला हो जाए, वैसे कुछ ना कुछ इशू हो जाए, तो उनको खिला दें। उन तीन प्लेयर्स में से एक शाहनवाज धानी साहब हैं। शाहनवाज धानी साहब आप ना पानी पिलाने में और वैसे ना प्लेयर्स का ख्याल रखने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर ना आपकी परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई मैच खिलाया जाए पहले तो आप दुआ करें कि यार कोई बॉलर फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए, ठीक है। कोई अनफिट हो गया तो फिर आपको खिलाया जाएगा, और अगर खिलाया गया तो फिर आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। परफॉर्म किया तो फिर आपका जो है वो पक्का हो जाएगा टीम में। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट जी। इन प्लेयर का नाम है मोहम्मद हारिस साहब को भी एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर लेकर जा रहे हैं, मगर ये एक्स्ट्रा विकेट कीपर के तौर पर। अगर मोहम्मद रिजवान साहब, ठीक है, अनफिट हो गए, वैसे तो वो अनफिट होते हैं तो वो फिर भी खेलते हैं, ठीक है, अगर वो अनफिट हो गए, उनका दिल किया कि यार मैंने नहीं खेलना, तो फिर आपको टीम में खिलाया जाएगा और फिर देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। फ़ख्र जमान साहब
फ़ख्र ज़मान साहब को पहले तो टीम के अंदर क्यों ऐड किया गया है दोबारा, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, अगर ऐड भी किया गया तो एक्स्ट्रा के तौर पर ऐड किया गया, मगर लेकर जा रहे हैं फ़ख्र साहब को। तो फ़ख्र साहब, अगर आपको वैसे पहले तो आप दुआ करेंगे कि यार कोई प्लेयर, ठीक है, बैट्समैन को अनफिट हो जाए, ठीक है, उसकी जगह पे फिर आपको खिलाएंगे। अगर आपको खिलाया, ठीक है, प्लीज़ कोई स्कोर करनी है, कोई परफॉर्मेंस दिखानी है, कुछ ऐसा आपने करके दिखाना है ताकि आपको टीम में दोबारा भी शामिल किया जा सके, वरना तो आपका यही है, बस आए और बस गए। ठीक है, आना जाना नहीं आपका करना, आपने कुछ क्रीज पे खड़ा हो कुछ परफॉर्म भी करना है। ठीक है, चले, आपके लिए ये मशवरा था। अच्छा, जो टीम में सारे प्लेयर्स थे वो तो सारे पूरे हो गए हैं, सबको मशवरे हो गए हैं, मगर कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो कि टीम से बाहर हैं, मगर फिर भी वो ऐसी कुछ चुल कर रहे हैं, कोई ऐसी उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से वो इन रह रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मोहम्मद आमिर साहब हैं। ठीक है, मोहम्मद आमिर साहब को ये मैं मशवरा दूंगा, ये जो आप जिस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं, इन्होंने जो स्टेटस लगाया है वो ये लगाया है कि यार ये जो सेलेक्टर्स हैं ये क्या कहते हैं उनको यानी टॉन्ट किया गया है कि इन्होंने कैसी सिलेक्शन की है और क्या किया, यानी मोहम्मद आमिर साहब को सेलेक्टर्स को पसंद नहीं आया कि सेलेक्टर ने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। आमिर साहब, ठीक है, आपके जो है ना इशूज़ वो क्रिकेट बोर्ड के साथ भी हो सकते हैं, आपके इशू कैप्टन के साथ भी हो सकते हैं, आपके चेयरमैन के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो इशू सॉल्व होंगे तो आपको टीम में खिलाया जाएगा, वरना आपकी टीम में कोई जगह नहीं है। ठीक है, आपके ऐसे स्टेटस है, ठीक है, आपको उल्टी बैशिंग हो रही है, आपको उल्टी लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे ना करें। आप ऐसे करते हैं तो फिर ही ये ना क्रिकेट बोर्ड आपको नहीं खिलाती। ठीक है, आप चुप करके अपनी परफॉर्मेंस देते रहें, खुद सिलेक्टर की मर्ज़ी होगी तो आपको खिला देंगे, आपके खुद ये इस तरह के स्टेटस लगाने से नहीं आपको खिलाएंगे। इसी तरह से ये शुएब मलिक साहब हैं, बड़े अच्छे सीनियर प्लेयर हैं। ठीक है, आप इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आता है आप पे, फिर इश्यूज होते हैं, इसलिए नहीं आपको खिलाया जाता। तो आप अपने जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के साथ सॉल्व कर लें, रमीज़ राजा के साथ सॉल्व कर लें, बाबर साहब के साथ सॉल्व कर लें, जिसके साथ भी आपने सॉल्व करना है कर लें, फिर हो सकता है आपको टीम में चांस दिया जा सके। मगर अभी जो लग रहा है, ठीक है, आपका जो है ये मेरा ख्याल है रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आई थिंक कैरियर ख़त्म हो चुका हुआ है, आपने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली है, अब नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट यंग प्लेयर्स हैं उनको अब चांस दिया जा रहा है, तो लेट्स सी उनका क्या बनता है। तो नाज़रीन, मैं अपनी क्रिकेट टीम को, अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा वर्ल्ड कप के लिए। अभी तो इनका इंग्लैंड के साथ टूर्नामेंट है, इंग्लैंड के बाद अब इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बेशक फ़ाइनल में या फिर कप ना जीते, मगर हम इतना परफॉर्म ज़रूर करेंगे कि यार हम कह सकें कि यार हमने फाइट के साथ हमने खेला इस वर्ल्ड कप। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द होल टीम। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, कीप वॉचिंग MYK News TV।